नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल नॉलेज बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, आपको बहुत सारी परेशानियों से बचाने के विषय में, आपके घर में धन संपदा और सुख समृद्धि लाने के विषय में। लड़की हो या लड़का, गलती से भी रात को न करें ये 5 काम। दोस्तों, शास्त्रों में ऋषियों ने जीवन के लिए आवश्यक विविध कार्यों के लिए समय निर्धारित किया है। रात्रि के लिए भोजन, शयन आदि के संबंध में अनेक उपयोगी बातें उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर लिखी हैं। रात्रि से पूर्व यानी संध्या का समय देव पूजन के लिए इसलिए ही निश्चित किया गया है ताकि मनुष्य विकारों से दूर रहे और उसके मन में सकारात्मकता का प्रभाव अधिक हो, क्योंकि रात के अंधकार में नकारात्मकता का आधिक्य होता है। इसी प्रकार ऋषियों ने रात को कुछ विशेष कार्यों को निषेध बताया है, खासतौर से महिलाओं को इन कार्यों से दूर रहने की सलाह दी गई है, इनका परिणाम शुभ नहीं होता। तो आइए दोस्तों जानते हैं वो कौन से काम हैं जो महिलाओं को और लड़कों को नहीं करने चाहिए। पहला, 16 सिंगारों में से एक सुगंधित पदार्थ लगाना। शास्त्रों में कहा गया है कि रात्रि को सुगंधित पदार्थ इन आदि नहीं लगाने चाहिए, इससे मनुष्य पर नकारात्मक प्रभाव होता है, उसके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कमजोर होता है, अतः रात्रि को सुगंधित पदार्थ नहीं लगाने चाहिए। दूसरा, केश भी मनुष्य की शोभा बढ़ाते हैं। महिलाओं के लिए केशों के संबंध में विभिन्न धर्म के ग्रंथों में अनेक उपयोगी बातें बताई गई हैं। रात्रि को खुले केश रखने का शास्त्रों में निषेध बताया गया है। माना जाता है कि इसका जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव होता है। खुले केश नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और ये भाग्योदय में बाधक होते हैं। प्राय शमशान का दृश्य बहुत भयानक होता है, वहाँ का वातावरण साधारण जन के लिए शुभ व प्रसन्नतादायक नहीं माना जाता। शमशान के पास भी नकारात्मक ऊर्जा का आधिक्य होता है, अतः रात्रि को शमशान आदि के पास नहीं जाना चाहिए। दिन ढलने के बाद व्यक्ति को अपने घर पर ही रहना चाहिए। अगर किसी कारणवश या कार्यवश बाहर जाना हो तो परिवार के सदस्य आदि को साथ लेकर जाना चाहिए। शास्त्रों में स्त्री व पुरुष दोनों के लिए ही कहा गया है कि वे एकांत में किसी से मिलने न जाएं, खासतौर से किसी अजनबी अथवा बुरे चरित्र वाले मनुष्य के साथ मुलाकात नहीं करनी चाहिए, इसका अशुभ परिणाम मिलता है, साथ ही कोई अनिष्ट भी घटित हो सकता है। धार्मिक मान्यताओं में चौराहे को नकारात्मक ऊर्जा का स्थान माना गया है। अक्सर परिवार के बुजुर्ग चौराहे के बीच से न आने की सलाह देते हैं। चौराहे पर चारों दिशाओं की संधि होती है। रात्रि काल में तांत्रिक प्रवृत्ति के लोग इनका उपयोग भी करते हैं, अतः ऋषियों ने महिलाओं सहित हर मनुष्य को यह निर्देश दिया है कि वे रात को चौराहे पर न जाएं। तो दोस्तों, आप भी इन कार्यों से बचकर बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं और अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं, जिससे कि आपको जीवन में कभी भी किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे या इससे आपको कोई जानकारी प्राप्त हो तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। इसके साथ साथ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम ज़बरदस्त टिप्स लेकर आते हैं, जिससे कि आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और सुखमय जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।